कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को एक साल पूर्ण होने के बाद कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। उधर भाजपा ने एक साल में सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी नाकामी गिराई। बुधवार को विदिशा में भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जादौन ने आरोप लगाया कि सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। न कर्ज माफ हुआ, न यूरिया मिल रही है और न ही बिजली। किसान उल्टे डिफॉल्टर होते जा रहे हैं। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, विदिशा जिले की बात करें तो विदिशा जिले में कल एक बड़ा घटना घटित हुई है कि अस्पतालों की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई हैं। मेरे गंजवादा विधानसभा क्षेत्र की एक आदिवासी महिला पिछले 7 दिनों से जहां भर्ती थी, उसको उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और बस स्टैंड पर जाकर उसको प्रसव पीड़ा के कारण और वहाँ पुरुषों ने फिर उस महिला को कवर्ड किया और एक बच्चा हुआ। मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूरे ज़िले के अंदर चरमरा गई। अस्पतालों में आज आप चले जाओ, डॉक्टर दवाइयां लिख रहे हैं, दवाइयां जो पहले अस्पताल में मिलती थी वो दवाइयां भी नहीं मिल रही। अराजक का माहौल है। आप देखिएगा, बावदा में समय समय पर हमने ज्ञापन भी दिया है कि बावदा के अंदर कितना अवैध कारोबार चल रहा है, अवैध हथियार मिल रहे हैं, ड्रग्स आ रही है, ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। सारे जितने काम हैं वो विदिशा ज़िले के अंदर हो रहे हैं। अभी बाढ़ से पूरा विदिशा ज़िला पीड़ित रहा, इसमें किसानों को कोई राहत राशि नहीं दी गई, मुआवजा और सर्वे तक नहीं कराया गया और जो मकान क्षतिग्रस्त हुए थे उनका भी मुआवजा सरकार देने में विफल रही। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने भी शहर की खुदी सड़कों सहित अन्य समस्याओं के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने विदिशा विधायक शशांक भार्गव पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भूमाफिया का संरक्षक करार दे दिया।